हाय एवरीवन, वेलकम टू द 34th वीडियो ऑफ ओपन सीवी 0-1 सीरीज। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंटूर अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, जिसे हम लोग ही बोलते हैं कंप्रेशन मेथड्स। ठीक है, इसे शॉर्ट टर्म में हम लोग जब कंटूर डिटेक्शन का एल्गोरिदम लगाते हैं, दैट इज यूजिंग फाइन कंटूर फंक्शन, तो क्या बोलते हैं, मोड। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्या होते हैं मेथड्स। चारों मेथड्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, एंड अगर आपने पिछली वीडियोज अबाउट कंटूर नहीं देखी है तो डू वॉच इट। ओके गाइज, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट सपोर्ट्स मी, एंड बहुत जरूरी है सपोर्ट आपका मेरी अगली वीडियोस के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज लाइक फाइन कंटूर फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने लाइक बाइनरी इमेज इनपुट करी है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप लोगों को देख सकते हो वहां पर जाके। नाउ दिस इज अप्रोक्स नन। ठीक है, अब ये चेन अप्रोक्स नन का क्या मतलब होता है, ये अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, दिस अप्रोक्स मींस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसे अप्रोक्सीमेशन बोल लो चाहे कंप्रेशन बोल लो। ठीक है, तो कंप्रेशन मेथड क्या होता है, अब देखो डिटेक्टिव कॉन्टूर, अगर हम एक ऑब्जेक्ट के अराउंड कॉन्टूर डिटेक्ट कर रहे हैं, उसकी आउटलाइन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आउटलाइन कैसे बनेगी, पिक्सल पिक्सल ज्वाइन होके बनेगी ना। अब पिक्सल पिक्सल ज्वाइन होके एक लाइन बन रही है, तो हो सकता है इसमें इतने ज्यादा पिक्सल आ जाए कि भाई तुम्हारी मेमोरी फुल हो जाए। मेमोरी फुल होने का मतलब ये है कि मान लो आपने छोटा सा एक एरे दे दिया, उस एरे में कितना है, मान लो 2 KB है। अब आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट पास कर दिए, उसका मेमोरी फुल। तो हम ये मेमोरी एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स यूज करते हैं, जिन्हें कहते हैं हम कंटूर कंप्रेशन। ऑलराइट, सो दिस कंटूर कंप्रेशन इज लाइक यू नो नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें डिसाइड हो जाते हैं। कैसे डिसाइड होते हैं, इनकी चार एल्गोरिदम्स होती हैं। कौन सी चार होती हैं, सबसे पहला होता है एज इट इज चेन अप्रोक्स नन। अगर आपको सारे कंटूर्स चाहिए, दैट इज लाइक ए का एक पॉइंट चाहिए आउटलाइन का, तो आप क्या यूज करते हो, चेन अप्रोक्स नन, जो कि कोई कंप्रेशन परफॉर्म ही नहीं करता है। ठीक है, आप कहोगे ये एल्गोरिदम क्या है, हाँ ये एल्गोरिदम नहीं है, जस्ट इट इज अ फ्लैग कि आपको नहीं चाहिए कंप्रेशन। सेकंड इज चेन अप्रोक्सीमेशन सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, मान लो एक रेक्टेंगल है, क्या आपको सारे पॉइंट्स चाहिए एक रेक्टेंगल बनाने के लिए, नहीं ना, आपको बस 4 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि आप जानते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधी लाइन जानी है। तो ऐसा ही है कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और डायगोनल्स कंप्रेस कर देते हो, तो हम उस कंप्रेशन को बोलते हैं चेन अप्रोक्स सिंपल। मान लो आपके जो आप जो इमेज पास कर रहे हो कंटूर डिटेक्शन को, उसमें रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, या फिर मान लो आपके स्क्वायर्स हैं, तो आप उसमें से आप ये थोड़ा ना चाहोगे कि सारे पॉइंट्स भर भर के आए, जिससे कि आपका मतलब मान लो वेक्टर ही भरा जा रहा है या प्रोग्राम इनएफिशिएंट हो रहा है। तो आप ये चेन अप्रोक्स सिंपल लगा सकते हो। चेन अप्रोक्स सिंपल बहुत अच्छा मेथड है अगर आपके स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मान लो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो क्या होगा कि दो और मेथड्स हैं हमारे पास, दैट इज चेन अप्रोक्स TC89L1 एंड TC89 cos। cos ये वो वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, cos tan cos sin ऐसे वाला। ठीक है, सो TC89L1 और TC89 cos, अब ये दोनों क्या बला है, सो इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझते हैं। ध्यान रखो गाइस, अगर तुम ज्यादा पढ़ रहे हो ना, तो किसी के सामने बैठकर तुम्हारी धाक जमाने की पावर होगी कि हाँ मुझे कंप्यूटर विजन आता है। उन बच्चों को कंप्यूटर विजन नहीं आता जो सिर्फ ओपन सीवी से इमेज खोल लेते हैं और रंग बदल देते हैं। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड की एल्गोरिदम क्या यूज हो रही है इसमें। सो TC89L1, TC89 cos, सो ये दो फ्लैग हैं। सो TC यहां पर स्टैंड फॉर टे चिन एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये कुछ दो लोग थे, दो कंप्यूटर विजन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने टे और चिन इन्होंने अपनी एल्गोरिदम बनाई। सो दैट इज 1989 में बनाई थी। सो दिस इज 89। अब आप कहोगे TC89 इज फॉर टे चिन 89। यस, टे चिन 1989, ये एक पेपर है, आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसे। और L1 और cos, ये दोनों डिफरेंट मेजर हैं सिग्निफिकेंस के। अभी एल्गोरिदम करती क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या करेगी, पहला स्टेप क्या है, रीजन ऑफ सपोर्ट निकालेगी। रीजन ऑफ सपोर्ट निकालने के लिए एक छोटा सा फंक्शन रन होता है, हर एक पिक्सल का जो कि एज पर लाए कर रहा है, उसका रीजन ऑफ सपोर्ट निकाला जाता है। अब रीजन ऑफ सपोर्ट निकालने के बाद उसका सिग्निफिकेंस निकाला जाता है। ठीक है, कि ये कितना महत्व रखता है ये पिक्सल, उसका सिग्निफिकेंस निकालने के बाद जो पिक्सल्स सिग्निफिकेंस नहीं रखते, जो पिक्सल कम महत्व रखते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे कि जिन लोगों की नॉलेज अच्छी नहीं होती, उन्हें इंडस्ट्री से हटा दिया जाता है रिसेशन के वक्त। दैट्स व्हाई ये कोर्स इतना डीप बन रहा है। ऑलराइट, डू सब्सक्राइब इट। ओके, सो या सॉरी फॉर दैट। सो अभी क्या, रीजन ऑफ सपोर्ट निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सिग्निफिकेंस किस पिक्सल का कितना है। सो उसके बाद सिग्निफिकेंस के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट को हमें रखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट को हटाना है। अब ये जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस आप कैसे डिफाइन करोगे, सो यहां पर कुछ मेजर्स हैं कि के कोसाइन, के कर्वेचर और 1 curvature। सो ये यहां पर अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो प्रोबेबली आपके लिए टफ हो जाएगा। सो इसके लिए अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं नई एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये तीन मेजर्स हैं, जैसे L1 L2 नॉर्म्स होते हैं ना, L1 L2 नॉर्म्स क्या होते हैं,
मशीन लर्निंग अगर किसी ने भी पढ़ी है तो मैं थोड़े से मैं बता देता हूँ। L1 क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लाइक प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड लाइक जो रियल वैल्यू थी, ठीक है। और L2 क्या होता है, इसी का स्क्वायर कर दो। ये हमारे पास दोनों मेथड्स थे। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास इमेज है, इसे हमने थ्रेशोल्ड करा। अब कंटूर अप्रोक्स नन में मैंने क्या बताया था, सारे के सारे पॉइंट्स आके ड्रॉ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यही चेन अप्रोक्स सिंपल यूज कर लें तो मैंने क्या बताया, सीधी लाइन वाले पॉइंट्स और डायगनल वाले पॉइंट्स हट जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो हट गए और चार ही पॉइंट बन गए। और ऐसे ही सर्कल में भी हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े पॉइंट जो कि सीधे थे वो हट गए हैं यहां पर। तो अभी ते चलते हैं टेचिन पे। टेचिन ने और क्या करा, सर्कल को भी कंप्रेस कर दिया अच्छे से। तो यहां पर सर्कल को कंप्रेस करा अपना अच्छे से, एंड ये कॉस मेजर के हिसाब से, L1 मेजर के हिसाब से। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि ट्राई कर सकते हो। अब आपको पता है कि कंटूर डिटेक्शन का पूरा हिस्ट्री क्या है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कवर करने जा रहे हैं इमेज मोमेंट्स। मान लो आपने कंटूर डिटेक्ट कर लिया, लेकिन अब उस बंदे की पोजीशन पता लगानी है। मान लो ये मेरा फेस है, आपने इस फेस का कंटूर डिटेक्ट कर लिया। अब इस फेस की आपको पोजीशन पता लगानी है, इमेज में है कहां। तो कैसे पता लगाओगे, आप किस किस पॉइंट की पोजीशन लोगे, नहीं ले सकते ना। तब हमारा रोल में आता है इमेज मोमेंट्स। फर्स्ट थिंग, इमेज मोमेंट्स यानी कि कंटूर की लोकेशन क्या है, साइज क्या है, एरिया क्या है, और लाइक उसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है। इन चीजों को बोलते हैं इमेज मोमेंट्स। ध्यान रखना, अगर ये चीजें नहीं पढ़ोगे ना, यू कांट से यू आर अ गुड कंप्यूटर विजन साइंटिस्ट। ओके, सेकेंड थिंग इज कि कंटूर अप्रोक्सीमेट करना। कि मान लो हमारे पास एक कंटूर है, हमें यही चाहिए कि ज्यादा वो इधर उधर ना जाए। जहां पर मेरा फेस दिख रहा है वहां पर एक सर्कल बस डिटेक्ट कर ले, ठीक है। कि ज्यादा मुझे नहीं चाहिए कॉम्प्लेक्स बने, बस सर्कल डिटेक्ट कर ले, जिससे कि हमारा फ्रेम पर सेकेंड अच्छा आ जाए वीडियो में। तो उसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन पॉली। सो लाइक पॉली का अप्रोक्सीमेशन करना है, एंड वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, सो कीप सब्सक्राइब, कीप अपडेटेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल एंड। थैंक यू।